देखिए ये एक्सरसाइज 10.2 का 19 क्वेश्चन है, उसमें दिया क्या है, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है इसको समझने के लिए पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, तो ये मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन कि इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है आर, ठीक है, जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आर का कोऑर्डिनेट दिया है एच कॉमा के, ठीक है। तो ये जो आर जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए जब इस तरह का अगर क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट के बीच में ऐसा अगर एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानेंगे, 1:2 किसको मानेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको मानेंगे ए, ये जो लाइन सेगमेंट है ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है। तो जब हम बोलेंगे 1:2 का रेशियो है, तो मतलब ये वाला है पार्ट है 1 और ये वाला पार्ट है 2, तो ये जो लाइन ये पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है, तो इसके लिए केवल आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए, एक पॉइंट तो आर दिया हुआ है एच के, अब दूसरा पॉइंट या तो बी या ए, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपने पता कर लिया तो दो पॉइंट मिल जाएंगे और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो देखिए ये जो पॉइंट है बी, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया वाई, ठीक है, वैसे ही ए पॉइंट है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, एक्स को हमने मान लिया एक्स। यदि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा जो अपने 10th में पढ़ चुका है, इसके लिए जब ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट आर पॉइंट, इसके लिए तो जो हम लिखेंगे एच, एच क्या है आर का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो क्या होगा 1:0 प्लस 2 into x अपॉन क्या होगा 1+2, तो ये क्या हो गया h इज इक्वल टू 2x/3, तो x क्या हो गया, ये हो गया 3h/2, तो ये हमें क्या मिल गया x की वैल्यू मिल गई, x है 3h/2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a कोऑर्डिनेट हो गया 3h/2, 0। तो हमको दो पॉइंट मिल गए, हमें y की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। अब ये आप मान लेंगे इसको x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और ये जो फॉर्मूला है लाइन का y-y1 = y2-y1/x2-x1 ब्रैकेट में x-x1, इसमें अब ये बस आपको वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए y-y1 जब आप करेंगे तो y1 हो गया k, फिर y2 जीरो है, 0-y1 यानी k, फिर x2 है 3h/2-x1 यानी h, ब्रैकेट में x-x1 यानी h। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए यहां तो डिनोमिनेटर माइनस k होगा, इसको आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा h/2 हो जाएगा, ठीक है, फिर x-h। अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में ये 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहां से मैं हटा देता हूँ यहीं पे, और यहाँ पे 2 ले गए और ये माइनस साइन। अब आप क्या करेंगे, ये h यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो y(h-kh) और ये इधर मल्टीप्लाई कर दो -2kx, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा +2kh। अब आप क्या कर सकते हैं, h y को ऐसे ही रहने दो, ये जो है x वाला इसको हम LHS में ले जाएंगे, तो +2kx हो गया, इधर है 2kh और ये -kh को इधर ले आएंगे तो +kh हो गया, तो hy+2kx = 3hk लिख देते हैं। तो ये बन गया फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट।